हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड स्ट्राइक। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल फेस एंड आई ब्रशेस। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे कि हमें ब्रशेस सजेस्ट कीजिए, फेस ब्रशेस, आई ब्रशेस। तो मैंने ये वाला ब्रश सेट लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जो है टू बी ब्राइड्स हैं, तो पूछ रहे थे कि हम अपनी शादी होने वाली है तो हम कौन से ब्रशेस लें, कौन सा ब्रश सेट लें। तो अफोर्डेबल ब्रश सेट मैंने ये यूज़ करके देखा है और ये मंगवाया है। तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रशेज मिल जाते हैं। तो आपको इसमें पाउडर ब्रश मिल रहा है, कंसीलर ब्रश मिल रहा है, आई शेडो एप्लीकेटर, फाउंडेशन ब्लेंडर और हाइलाइटिंग एंड लैश ब्रश आपको इसमें मिल रहा है। और इसकी कॉस्ट जो है ये 700 के अराउंड आपको अमेजन पे या नाइका पे मिल जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करें, अगर आपको ये गिफ्ट करना है तो भी बहुत अच्छा है, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी है मुझे। तो बेसिकली मैंने अपने लिए एक सेट मंगवाया है और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया है गिफ्ट करने के लिए। तो गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इसके जो देखे बॉक्स काफी अच्छा है, 6 फेस ब्रशेस सेट, ये फेस ब्रशेस सेट है लेकिन इसके अंदर आपको आई ब्रशेस भी मिल रहे हैं थोड़े से। तो ये पूरा सेट है, एक इस तरह का बॉक्स है, बहुत ही अच्छे से आप रख सकते हैं इसके अंदर दोबारा से वॉश करके इसको। और मैं इसे ओपन करके अभी दिखा देती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह के ब्रशेस आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये जो दो ब्रशेस हैं ये तो फेस ब्रशेस हैं और इधर जो है ये आई ब्रशेस हैं। और ये वाला जो फेस ब्रश है, वैसे तो इसमें लिखा है कि फाउंडेशन ब्रश भी है इसके अंदर, तो आप फाउंडेशन ब्रश के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं। लाइक ये थोड़ा स्टिफ है और फाउंडेशन के लिए थोड़ा स्टिफ ब्रश अच्छा रहता है, मतलब कि थोड़ा सा जो ज्यादा फ्लफी नहीं होता है, स्टिफ होता है। तो ये स्टिफ है और ये आप फाउंडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छे से इससे फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है, मैंने यूज करके देखा है इससे। और इससे आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने देखा कि इससे ब्लश भी अप्लाई हो सकता है और थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। तो ये फाउंडेशन के लिए, ब्लश के लिए आप यूज कर सकते हैं, अच्छा है काफी ये ब्रश। तो बेसिकली ये फेस ब्रश ही है और फाउंडेशन के लिए एंड ब्लश के लिए आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्टोर के लिए यूज करना है तो इस तरह से आप इसे पकड़ के कॉन्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग है, ये काफी अच्छा ब्रश है। उसके बाद जो ब्रश है इस तरह का, सबसे बड़ा वाला जो ब्रश है, और ये पाउडर ब्रश है, तो ये फेस पाउडर के लिए आप यूज कर सकते हैं, इवन इसे आप ब्लश के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्लफी है और इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, तो इनके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, मैंने वॉश भी किया है। तो इस ब्रिसल्स जो है ये बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड इवन हैंडल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इससे आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, आप इसे पाउडर भी लगा सकते हैं और इवन आप इससे ब्लश भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इससे आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं इस तरह से पकड़ के, इस तरह से कुछ आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं, इवन आप हाइलाइटर भी इससे लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से पकड़ के आप हाइलाइटर लगाना चाहते हैं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। तो ये भी मल्टीटास्किंग है, आपको और कोई ब्रश लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सेट ले रहे हैं तो काफी अच्छा है ये सेट, क्योंकि इसमें जो ब्रशेज है वो मल्टीटास्किंग है। अभी आपको मैं थर्ड ब्रश दिखा देती हूँ, ये ब्रश है कंसीलर F03 है, ये कंसीलर ब्रश है, इससे आप कंसीलर जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं, अंडर आईज पे आप ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप कट क्रीज कर सकते हैं इससे। तो ये ब्रश भी बहुत अच्छा है एंड ये स्टिफ है, क्योंकि ये जो है कंसीलर ब्रश है, इससे आप कट क्रीज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ब्रश कट क्रीज के लिए, कंसीलर के लिए काम आएगा। नेक्स्ट जो ब्रश है आई शेडो ब्लेंडर F04, ये ब्लेंडर ब्रश है, इससे आप आई शेडो ब्लेंड कर सकते हैं आईलेट्स पे, क्योंकि ये ज्यादा दिखे फ्लफी नहीं है, छोटा जो ये आई ब्लेंडर ब्रश है, तो इससे आप आई मेकअप ब्लेंड कर सकते हैं, मीन्स आई शेडो ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आई शेडो इससे ब्लेंड कर सकते हैं आप। ब्लेंड करने के लिए मैंने इसे यूज किया है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करता है आई शेडो की। उसके बाद आई शेडो एप्लीकेशन के लिए आप इस ब्रश को यूज कर सकते हैं, ये है F05 ब्रश, और इससे जो है आप प्रोडक्ट लीजिए, आई शेडो लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये वाला ब्रश जो है ये ब्लेंडिंग के काम भी आ जाता है, तो ये जब आपको जो है क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना है तो इससे ब्लेंड बहुत ही इजीली हो जाता है, और इवन इससे आप जो है लोअर लैश लाइन पे अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है तो ये परफेक्ट है, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो ये भी मल्टीटास्किंग ब्रश है, इसको भी आप बहुत सारे यूजेस में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश है हाइलाइटिंग एंड लैश ब्रश, और ये F07 नंबर है, इससे आप जो है हाइलाइटिंग कर सकते हैं और
अगर देखिए लैशेस को भी सेट कर सकते हैं, तो ये ब्रश है, कस्कूली ब्रश है, जिससे आप आईब्रो सेट कर सकते हैं एंड इससे आप आईब्रोज को फिल भी कर सकते हैं और इससे आप हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं, ब्रॉ बोन पे हाइलाइटिंग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सारे काम आपके करने वाला है। तो इसमें मुझे एक कमी लगी, बिग ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, वो आप अलग से बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैंने जो ब्लेंडिंग ब्रश बाय किया था वो ये प्रोआटे का ब्रश है और इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है, तो इसके साथ आप ये बाय कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए सभी ब्रशेस, मतलब कि कंप्लीट सेट है ये, आपको इसके अलावा और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें काफ़ी कुछ मतलब आपको मिल रहा है। आप देखिए तो फेस ब्रश और आई ब्रशेस बिल्कुल कंप्लीट सेट है ये, तो आप ये ले सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो सिर्फ ये वाला आप सेट ले लीजिए, तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रहेगा और आपके सभी जो भी पूरा फेस मेकअप है, आई मेकअप है, सभी आप इससे कर सकते हैं। तो ये इनफ है आपके लिए, ये वाला मुझे सेट जो है काफ़ी अच्छा लगा एंड गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा सेट है ये। सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ये मैंने अपने आप बाय किया है, आपने मेरी अमेजोन वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा, तो ये मैंने बाय किया है और इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको नायका का और अमेजोन का, तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, नायका से जो है आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो गाइज, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।